हेलो वेलकम, एक बार फिर से हाजिर हैं हम बिज बज लेकर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ हाजिर हैं जो हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। कभी ना कभी तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग जरूर की होगी, और आज का टॉपिक भी है ऑनलाइन ऑफर्स। यानी आज हम आपको डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे कि आखिरकार कैसे ई कॉमर्स कंपनियां 60-70% तक डिस्काउंट देती हैं, कुछ सामानों पर तो 90% तक की छूट देखी जा सकती है। आपने ये महसूस किया होगा, देखा भी होगा कि किस तरह से इन ऑनलाइन ऑफर्स को आप कभी भी किसी भी समय पर लिमिटेड पीरियड में ले सकते हैं, पा सकते हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं। आखिर ऑनलाइन कंपनियों के लिए मोटे ऑफर्स देना कैसे पॉसिबल होता है, क्या ये फेक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्या ये माल बेचने पर अपना कोई मार्जिन नहीं रखते। अगर ऑनलाइन कंपनियां मोटे डिस्काउंट दे सकती हैं, तो बाजार और मॉल्स में आखिर इतना डिस्काउंट क्यों नहीं मिलता, ये तमाम सवाल अक्सर हमारे जहन में आते हैं। और इसी के जवाब के साथ हम आज बिजबज का टॉपिक लेकर हाजिर हैं, और सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये बता सके कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे होता है। अगर आप ऑनलाइन ऑफर्स का लाभ उठाते हैं तो क्या है? वैसे भी ऑनलाइन कंपनियों के डिस्काउंट के मायाजाल पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ऑपरेट करती हैं, किस तरह से ये आपको अपने लुभावने ऑफर से आकर्षित करती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भारी छूट उन्हीं प्रोडक्ट्स पर दी जाती है जो पिछले साल फैशन में होंगे या फिर आउटडेटेड हो गए होंगे। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर छूट कम ही देखने को मिलती है, जबकि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। इसका हम एक आपको उदाहरण देते हैं ताकि आप ये पूरी तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको आईफोन 11 खरीदना है। Amazon 64GB का आईफोन 11 आपको 64,900 रुपए में बेच रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट पर भी आईफोन 11 की कीमत 64,900 रुपए ही है। रिटेल बाजार में इसका दाम करीब 65,000 रुपए है। रही बात कैशबैक की, तो ये बैंकों की ओर से ऑफर है जो आपको रिटेल स्टोर्स पर भी मिल जाएगा। तो ऑनलाइन कंपनियों की बिग बिलियन सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन है, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की कीमत आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स और बाजार में लगभग मिलती जुलती ही दिखाई देगी। Amazon और Flipkart की प्रमोशन स्ट्रेटजी का ही नतीजा है कि 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली सेल में इन कंपनियों ने मोटी कमाई की। 6 दिन की सेल में ई कॉमर्स कंपनियों ने 20,000 करोड़ रुपए तक की बिक्री की, 2018 के मुकाबले 30% ज्यादा बिक्री। कुल बिक्री में करीब 45% मोबाइल फोन, 25% कपड़े बेचे गए। पिछले साल के मुकाबले डिस्काउंट में कमी के बाद भी ज्यादा बिक्री हुई है। मेट्रो शहर के मुकाबले छोटे शहरों से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की गई। Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी बिक्री में 100% की बढ़ोतरी देखी गई। ई कॉमर्स सेल में 60% फ्लिपकार्ट और Amazon में 30% की हिस्सेदारी है। और सेल प्रमोशन की अगर बात करें तो इसके सहारे ऑनलाइन कंपनियां अब देश के लोगों के दिल में घर कर चुकी हैं। ई कॉमर्स कंपनियों की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान ग्राहकों के बढ़ते विश्वास का है। 2 से 3 साल पहले कम लोग ही इन कंपनियों पर यकीन करते थे, लेकिन इस दौरान अधिकांश लोगों को यकीन हो गया कि चीजों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्वालिटी में कोई फर्क ही नहीं होता, बल्कि ऑनलाइन में उनके पास ज्यादा विकल्प होते हैं। ऐसे में ऑनलाइन रिटेल कंपनियों का कारोबार बढ़ना तय है। अभी बाजार के रिटेल बाजार का आकार $900 अरब का है। फिलहाल इसमें 10 से 12% की ग्रोथ है। वहीं ऑनलाइन रिटेल का कारोबार $15 अरब का है। 2022 तक इसके $90 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी ऑनलाइन बाजार 20 से 25% की दर से बढ़ रहा है। क्योंकि ई कॉमर्स कारोबार करने वालों को रेंटल, मेंटेनेंस, कर्मचारियों पर खर्च नहीं करना पड़ता, ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन चीजों की कीमतों में 10 से 20% का अंतर बना रह सकता है। सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन कंपनियां फेक प्रोडक्ट्स बेचती हैं? इस सवाल का जवाब हम आपको एक सर्वे से दे देते हैं। पिछले साल यानी 2018 में रिसर्च फर्म लोकल सर्कल ने पिछले साल एक सर्वे कराया, जिसमें 6,923 लोगों की राय ली गई। सर्वे में यह सामने आया कि 38% लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग में नकली सामान मिले। स्नैपडील, Amazon, फ्लिपकार्ट ग्राहकों को भी नकली उत्पाद मिले। स्नैपडील के 12%, Amazon के 11%, फ्लिपकार्ट के 6% ग्राहकों को फेक प्रोडक्ट्स मिले। मार्केट रिसर्च फर्म वेलोसिटी के सर्वे में पता लगा कि हर 3 में से 1 ग्राहक तक ई कॉमर्स कंपनियां नकली प्रोडक्ट पहुंचा रही हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर आपको फेक या फिर कॉपी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। इसीलिए भारी डिस्काउंट देकर लालच में ना आए, पूरी जांच परख कीजिए और तभी ऑनलाइन कंपनियों से सामान खरीदे।
इसी तरह हम रोज हाजिर होंगे किसी एक टॉपिक के साथ, या फिर दिन भर की रोजाना की जो खबरें बिस्तर पर आप नहीं देख पाते हैं वो आप हमें सुझाव